सभी लोग प्रार्थना करें कि गोविंदा जी एकदम सही रहे। लेकिन क्या कब बातचीत हुई, घटना कब हुई, कैसे हुई, क्या भी पता है? बातचीत अभी अभी वो होश में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। हाथ से रिवॉल्वर गिरा है, कुछ मिस फायर हुआ है, उसकी वजह से लगा। अभी मैं जाऊंगा तो करेक्ट पता चलेगा। कितने बजे हुआ था ये सर? थोड़ा सा उसके मैं इतना नहीं, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई क्योंकि उनके साथ बड़ा हुआ हूँ मैं बचपन से, और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ। पर वो डेंजर से बाहर है गोविंदा जी का, इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, आउट ऑफ डेंजर, इज आउट ऑफ डेंजर, राइट? परिवार के सारे सदस्य घर से बाहर हम लोग सब घर परिवार वाले, तो झटका लग गया ना हम लोगों को। हम आते हैं आपके साथ। उनको देख के मेरा रोना निकल गया, यही बोले कि बेटा घबरा मत, मैं ठीक हूँ। और बजरंग बली की बहुत बहुत कृपा है कि बला टल गई है और एकदम स्वस्थ है। बहुत जल्द ठीक हो जाए। देखिए क्या है, हम जो स्टेटमेंट देंगे पता चलेगा। अभी वो नौजिया ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा व्यक्ति ऐसा होता है, तो ये ठीक नहीं लगता कि हम भी घर वाले आ रहे कैसे हुआ क्या हुआ। अब तो सबसे पहले यही था कि जान बच गई, ईश्वर की कृपा है। और जो स्टेटमेंट है जब वो बताएंगे वो तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। बस अभी यही कहूँगा जितने तमाम फैंस हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार नीचे करने से स्वस्थ हैं। कोई भी बहुत बड़ी घटना मैंने ये कहा जा रहा है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जो उनके पास थी, कब से थी और उसके बारे में कुछ बताओ। रिवॉल्वर अभी लेटेस्ट नहीं थी, बहुत सालों से इतने बड़े सुपरस्टार हैं हमारे देश के, तो रिवॉल्वर तो बहुत सालों से उनके पास लाइसेंस वाली है। और कभी ऐसी लापरवाही आ चुकी है, इसे बोलते हैं घटना, जब पूरा कुछ ऐसा होना होता है या होता है तो हो जाता है। आज जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, हमें थोड़ी पता होता है एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इट्स एन एक्सीडेंट। और वो बच गए, आज बात कर रहे हैं और हंस के मिले, यही बहुत बड़ी बात है। और पूरा देश आज मुझे समझिए हज़ारों फोन आए हैं, इससे पता चलता है कि मैं तो मान जाऊँ, लेकिन जो फैंस हैं वो रो रहे हैं, वो दुख में बिलीव। ये सब समय मेरा पूछना सही नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई, आई मीन शॉक। तो मैं खुद अभी शाम को घर जाऊंगा, जब अगर डिस्चार्ज होंगे और फिर शांति से बात। आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है, देखो क्या तकलीफ है। और लेकिन बहुत गहरी चोट है। गोविंदा जी की पत्नी, आपकी मामी जो है इस वक्त शायद कलकत्ता में, इस तरह की जानकारी क्या सच है, क्या उनसे मिलने जा रहे? तो मैं आपको बताऊं, मैं अभी तक मामी को मैंने कॉल भी नहीं किया, जैसे पता चला मैं खुद भाग के आया हूँ और अभी सबको कॉल करूँगा। मेरा खुद का स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था, मैं कैसे कॉल कर सकता। थैंक यू सो मच।